हेलो, हाय दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो जानकारी आपको मिलेगी वो कोराजा का रहेगा, जो हर फार्मर को झेलना पड़ता है, लापरवाही में वो भी। तो दोस्तों, जिसके पास 10 20 50 मुर्गियां हो, सबके लिए ये वीडियो है। खास करके जो नए हैं उनके लिए है वीडियो ज़्यादातर। तो दोस्तों, आप कोराजा का सिम्टम किस तरह से पहचानेंगे कि कोराजा इसमें हो गया है? दोस्तों, सिम्टम इस प्रकार से हैं: आँख आँख और नाक से पानी आना, आँख में मवाद भर जाता है दोस्तों, सांस नहीं ले पाती मुर्गियाँ, चेहरा फूल जाता है। तो दोस्तों, यही सिम्टम है। सबसे सिंपल सिस्टम है दोस्तों, आँख उसका सूजन हो जाएगा और उसमें मवाद भर जाता है, यही कोराजा का सिम्टम है। तो दोस्तों, इसका इलाज ये है: रेस्पिरोन 10 ml 100 मुर्गी के हिसाब से दोस्तों 5 दिन देना है। और ये जो होमेन वाली आई ड्रॉप होती है, कोई भी मिल जाए, जैसे बेटनिसोल हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, या बच्चों में जो 1 रुपये वाली आती है, उसको पुच्ची बोलते हैं। आपको वीडियो में फ़ोटो मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं और लाके उसको उसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोराजा की बीमारी तब होता है जब आपके फार्म में धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ते हैं, डस्ट तो उनके आँख में जाता है, उस वजह से वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों, आप लापरवाही ना करें। जब भी डस्ट उड़े तो आप उसका जो बिछावन होता है उसको चेंज कर दें, और नीचे चूना से पहले पोताई कर दें। जब भी आप जहाँ भी हो, अगर ज़्यादा बदबू भी होता है दोस्तों, तो उस पर भी ध्यान दें। दोस्तों, देसी इलाज में बता देता हूँ: एक प्याज 10 लौंग पीस कर 400 ml पानी में दोस्तों उबाल के उसको पीने के पानी में दे दें। इससे भी कोराइजा का बीमारी ठीक हो जाता है। और ज़्यादातर ध्यान दें कि मुर्गियों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना होने पाए। हमेशा दोस्तों उनको टाइम टू टाइम पानी देना है, साफ देना है पानी, और दाना देना है मार्केट का। दोस्तों, जितना अच्छा ध्यान देंगे उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी और फ़ायदा उतना ही होगा। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। पर्दे टाइम टू टाइम उठाना है, कब खोलना है, टेम्परेचर मीटर ज़रूर लगाएं फार्म में, ताकि टेम्परेचर मीटर में देख कर पता ये चल जाए कि हाँ कितना टेम्परेचर उसमें है, कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनना है, सब उसमें सिस्टम रहता है। तो आप इस तरह से फार्मिंग में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। लापरवाही दोस्तों इसमें नहीं चाहिए, जितना भी लापरवाही करोगे उतना नुकसान होगा। जब बीमारी फार्म में आ जाएगी तो आपको तुरंत उसका इलाज करना है।